हेलो गुड आफ्टरनून रेस्पेक्टेड टीचर्स माय कोलीग्स एंड माय डियर चिल्ड्रेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दिस इज कविता आचार्य जी टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पांडुका ब्लॉक छुरा डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद टुडे आई एम गोइंग टू टीच Lesson number three, class seven. Lesson number three, class seven. The name of the lesson is Hand Care. So, children, be attentive. Be ready. I am just going to start the slides. हाँ जैसे कि आप जानते हैं बच्चों बच्चों एम ऑडिबल ओके okay. जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई भी लेसन जब पढ़ते हैं तो शुरू शुरू करते हैं अबाउट द लेसन तो आपका बुक में है अबाउट द लेसन पेज नंबर 120 ट्वेंटी सो हियर दिस लेसन इज हैंड केयर Class 7, lesson number 3. The lesson is based on a poster. The language used in the poster is presented in an interesting way. The children get familiarized with the pattern of the language. While the children enjoy reading the poster, they learn suggestible ways of developing good hygienic habits. नेक्स्ट सो लेट्स स्टार्ट द लेसन जैसे कि ये लेसन है हैंड केयर हैंड केयर का मीनिंग क्या होता है हाथों का देखभाल और अभी जो समय चल रहा बच्चों पैंडेमिक है ना वैश्विक महामारी का समय चल रहा है तो इस समय हमें क्या करना है हाथों की देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है जरूरत तो हमेशा के लिए है लेकिन इस समय ये महामारी के समय में हाथों की देखभाल हमें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि संक्रमण जो है हमारे हाथों से ही ज्यादातर हमारा स्टॉमक में चले जाते हैं प्लीज, प्लीज। हाथों में चले जाते हैं हा, सॉरी हाथों से हमारा स्टोमक में चले जाते हैं और कई बार हमारा हाथ क्या होता है आँख में भी चले जाते हैं उस समय भी संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसी कारण हम लोगों को क्या करना है हाथों की देखभाल हैंड केयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग ऑल द टाइम एंड दिस टाइम वी आर जस्ट गोइंग थ्रू अ स्पेशल टाइम दैट इज पैंडेमिक कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में So, बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि हाथ तो हम लोग सब धोते हैं है ना हाथ धोते हैं लेकिन हाथ धोने का मतलब ये नहीं है केवल हम नल के पास जाएंगे और हाथ को गीला कर देंगे और हम लोग चले आएंगे हाथ तो धो लिया ऐसा नहीं है हाथ धोने का कुछ टेक्निक्स होते हैं कुछ तरीकाएं होते हैं तो उसको हमको अपनाना है नेक्स्ट स्लाइड बच्चों एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू से यून नो एम आई ऑडिबल ओके एंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल ये आपका पार्ट का शुरू में दिया गया है हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन हैंड वॉशिंग मैंने हाथों की धुलाई करना धोना इज द कॉर्नर स्टोन कॉर्नर स्टोन मींस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ इंफेक्शन कंट्रोल इंफेक्शन मीन्स संक्रमण संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान देंगे मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगी ये सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि हम लोग जो आज तक एम आई ऑडिबल रिजल्ट ऑफ ए हैंड क्लिनिंग स्टडी एस्टेब्लिश दैट इन मेनी केसेस हैंड वॉशिंग टेक्निक वॉज नॉट वॉज इन एडिक्वेट, द बी अटेंटिव बच्चों ध्यान दीजिएगा

है ना बहुत सारे मामले में हैंड वॉशिंग जो हाथ धोते हैं ये जो टेक्निक है तरीका है ये वॉश इन एडिक्वेट अपर्याप्त नोट कर लीजिए कॉपी पेंसिल लाए होंगे इसमें नोट कीजिए इन एडिक्वेट मतलब अपर्याप्त जितना जरूरत है उतना नहीं है तो वर्ड मीनिंग देख लीजिए आपका कठिन शब्दों की वर्ड मीनिंग स्टडी मीज अध्ययन एस्टेब्लिस्ड मीन्स प्रमाणित या स्थापित करना टेक्निक मीन्स तरीका इन एडुकेट मीन्स अपर्याप्त जरूरत ज़्यादा है लेकिन जो मिला वो बहुत कम मिला उसको कहते हैं इन एडिकुएट अपर्याप्त एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त इन लगा दिए हैं तो अपर्याप्त हो गया बच्चों ध्यान दीजिए शब्दों पर क्योंकि आप शब्दों को जानेंगे क्योंकि नया नया शब्द हैं है ना इस लेसन में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आर वर्ड सो यू हैव टू टू बी नाउ वी आर कमिंग हैंड वॉश टेक्निक टेक्निक मीन्स तरीका हैंड वॉश मतलब हाथ धुलाई की तरीका हाथ धोने की तरीका तो देखिए बेटा सबसे पहले दिया है वेट हैंड्स वेथली विथ वाटर आपका जो हाथ है उसको क्या करेंगे गीला करेंगे टेक वन मेजर ऑफ क्लेंजर और साबुन को एक नाप में आप साबुन लेंगे थोड़ा सा लेंगे एक कॉइन बराबर लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपका जो पम्प है आपका जो हथेली है उसमें गिर जाएगा तो आप तरल साबुन अगर लेंगे तो थोड़ा सा ही लेंगे थौरली मिर्स पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको लेंगे लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है वेट करना है वेट मतलब गीला करना स्पेलिंग देखिए वेट मतलब डब्ल्यू ई टी वेट मीन्स हाथ को गीला करना पानी से है ना उसके बाद उसको क्या करना है थॉरोली गीला करना है अच्छी तरह से विथ वाटर पानी से टेक वन मेजर ऑफ क्लिंजर और एक नाप में मेजर मीन्स नाप और क्लिंजर मीन्स साबुन साबुन को आपको लेना है किसमें हथेली में आपका दिखाया गया ना बेटा उसको ध्यान दीजिए आप लोग सभी हाथ धोते हो लेकिन इस तरीके से आपको हाथ धोना है कि आपको जो जो भी है आपको तबियत खराब या तबियत बिगड़ने की जो चांस होते हैं ज्यादातर हाथ अच्छे से नहीं धोने का परिणाम से ही होता है तो सो बी अटेंटिव फ्रॉम स्टेप वन है ना स्टेप वन से आप अटेंटिव हो जाइए बच्चों नेक्स्ट तो अभी हम लोग क्या है हाथ को जैसे गीला करेंगे बेटा तो अभी हम लोग जानते हैं, हैं, हैं साबुन लेते हैं ये सब इतना क्यों कर रहे हैं कि वायरस का नाम तो सुने हैं बेटा आप लोग सबको पता चल गया है अभी कोरोना वायरस का नाम तो आप लोग सबको पता चल गया है ना जिसके कारण बीमारी जो हो रहा है कोविड नाइनटीन है ना कोरोना वायरस के कारण तो व्हाट इज वायरस वायरस होता क्या है इसको तो जानना है एन इनफेक्टिव एजेंट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ ए होस्ट तो इसका मायने हम लोग समझ लेते हैं एन इन इफेक्टिव इनफेक्टिव एजेंट इनफेक्टिव मीन्स संक्रामक एक एजेंट है ना संक्रामक जो एजेंट है ये क्या करते हैं माध्यम है एजेंट माने इधर माध्यम इज टू स्मॉल बहुत छोटा होता है वायरस बहुत ही छोटा टू बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं नहीं तो हम नहीं देख सकते बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल एंड इज एबल टू मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल्स और ये केवल मल्टीप्लाई हो सकता है गुणात्मक बढ़ सकता है किससे विद इन द लिविंग सेल्स जीवित कोशिकाओं में बढ़ सकता है ऑफ ए होस्ट ये होस्ट क्या बेटा होस्ट इधर है कोई भी प्राणी हो सकता है एनिमल हो सकता कोई भी ए, ए, जीवित हो सकता एनिमल हो, हो सकता प्लांट हो सकता इसमें जाके ये जो कोशिका है ये क्या करते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं गुणात्मक बढ़ जाते हैं गुणात्मक बढ़ है, बढ़ना मतलब दो से चारे छह चार से, से आठ है ना? संख्या में बढ़ना गुणात्मक में में संख्या में बढ़ना, ये ऐसा नहीं है छोटा था बड़ा हो गया नौ गुणात्मक में दो से चार चार से छह से बारह ऐसा करके बढ़ते जाएगा है ना तो हिंदी में इसका डेफिनेशन है परिभाषा है बच्चों मनुष्यों पशुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु या विषाणु इसको कहते हैं वायरस है ना तो इससे बचने के लिए हमें हाथ धोने का बहुत ज्यादा क्या है ज़रूरत है हाँ बेटा सेकेंड स्टेप हम लोग तो वायरस के बारे में पता हो गया अब सेकेंड स्टेप दे आर आर सो मेनी स्टेप्स हाथ धुलाई के लिए तो नाउ वी आर इन सेकंड स्टेप दूसरी चरण रब है स्पम टू पाम पाम मींस आपका हथेली पाम मींस आपका हथेली दोनों हाथ में है ना बेटा जिसमें रेखा दिखते हैं उसको कहते हैं पाम इंग्लिश में ओके हिंदी में हथेली तो क्या करना है रब है स्पम टू पाम आपको हैंड्स को क्या करना है रब करना है रब मींस रगड़ना आपको हाथों को दोनों हाथ क्योंकि राइट हैंड से करेंगे फिर आप उसको रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड से भी है ना तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा स्टेप्स की जो नंबर है वो बढ़ जाएगा संख्या है ना हम लोग हाथ को रगड़ेंगे तो एक बार राइट हैंड को लेफ्ट पाम में देंगे एक बार लेफ्ट हैंड को राइट पाम में देंगे और ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे रगड़ेंगे तो दिस इज योर सेकेंड स्टेप

मायने समझ लेते हैं हैंफ्ट मींस और रिपीट मींस पुनः करना है ना और बैक मतलब पीछे ये तो सबको पता है और चेंज मतलब परिवर्तन करना ओके okay. नाउ आपका फोर्थ स्टेप बेटा फिंगर्स लिंक्ड इन पंप ये फिंगर्स है आपका है ना ये आपका फिंगर्स है तो फिंगर्स लिंक्ड ये आपका जुड़ा हुआ है किसके साथ पाम हथेली में है ना जुड़ा हुआ है ऐसे करके और आप इसको ऐसे करके रब करेंगे क्योंकि ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं ये जो आपका जो फोर स्टेप है ना अक्सर भूल जाते हैं तो अब से नहीं भूलेंगे अब आप लोग सीख लिए हो ना तो ये भी करना बहुत जरूरी है फिंगर लिंक इन पंप्स फिंगर्स मीन्स उंगलियां लिंक मतलब जुड़ा हुआ इन पंप्स मतलब हथेली में जुड़ा हुआ है ऐसा करके ओके okay? और इसमें जो कठिन शब्द है लिंक है लिंक मतलब जुड़ा हुआ नाउ फिफ्थ स्लाइड बेटा बी बीटिव फिफ्थ स्लाइड रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब ये है आपका अंगूठा थंब है ना राइट हैंड दिस इज राइट हैंड राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब ऐसे करके है ना फिर बोल रहे हैं चेंज हैंड एंड रिपीट बेटा लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आपने सिर्फ थम तक ही नहीं जाना आपको सब उंगलियों को करना है है ना क्योंकि फाइव फिंगर्स uh, है ना तो सभी उंगलियों को आपका एक इम्पोर्टेंस देना है धोने के समय तो कैसे हैं ये थम को तो कर लिए आफ्टर दैट कम इंडेक्स फिंगर दिस इज योर इंडेक्स फिंगर जिससे हम निर्देश देते हैं है ना हिंदी में इसको तर्जनी कहते हैं इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर ओके तो इसको भी हम लोग करेंगे देन नेक्स्ट वन आपका है मिडिल फिंगर ये सबसे बड़ी है है ना मिडिल फिंगर है ना इसको मध्यमा भी बोलते हैं मिडिल फिंगर बीच में है इसलिए मिडिल बीच में है इसलिए मिडिल नाउ दिस वन रिंग फिंगर है ना रिंग फिंगर इसमें रिंग पहनते हैं दिस इज कॉल्ड रिंग फिंगर एंड लास्ट वन इज लिटिल फिंगर लिटिल फिंगर मीन्स कई बार लिटिल छोटे है ना सबसे तो इसको पिंकी भी कहते हैं है ना तो दिस इज कॉल्ड लिटिल फिंगर तो सभी उंगली को धोने के समय आप लोग क्या करोगे धोएंगे नॉट ओनली थम तो मायने समझ लेते हैं थम मतलब अंगूठा रोटेट मींस घुमाना रोटेट मींस घुमाना जैसे ऐसे करके मैडम बोले है ना ऐसे करके रोटेट करना है और रिपीट करना है क्योंकि ये तो मैडम एक हाथ में करती है फिर दूसरे हाथ करेंगे तो भी यू हैव टू रिपीट है ना ऑल द फिंगर्स सो इन ईच स्टेप्स यू हैव टू रिपीट बेटा क्योंकि हमारा दो हैंड्स है ओके नाउ सिक्स हा नाउ सिक्स स्टेप रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट आपका ये राइट right हैंड है पता है बेटा राइट हैंड को क्या करेंगे अराउंड अराउंड माने चारों ओर लेफ्ट लेफ्ट रिस्ट मतलब बाएं हाथ की कलाई कलाई बोलते हैं ना जहां आप लोग घड़ी पहनते हो चूड़ी पहनते हो कलाई रिस्ट माने कलाई लेकिन आपको मायने जानने के बाद उसको स्पेलिंग भी समझना बहुत जरूरी है रिस्ट माने कलाई चेंज एंड रिपीट तो सेम चेंज करेंगे कलाई दोनों हाथ में है ना तो यू हैव टू चेंज आपको चेंज भी करना है तो रोटेट मतलब घुमाना ये तो आप लोग पहले स्लाइड में पढ़ चुके हो अभी क्या है राइट हैंड माने दाहिने हाथ अराउंड मतलब चारों ओर में लेफ्ट रिस्ट मतलब बाएं कलाई चेंज हैंड एंड रिपीट आपको हाथ को चेंज कीजिए और रिपीट कीजिए ठीक है अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों की ओर प्रश्नों की ओर आ रहे हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू इन्फेक्शन आपका जो लेसन है ना लेसन थ्री इसमें एक सेंटेंस दिया गया है तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है आपको बताना है ये जो आपको प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्नों के साथ कौन सा लाइन आपको सूट हो रहा है कौन सा लाइन आपका फिट हो रहा है यू हैव टू नो यू हैव टू राइट तो कौन सा लाइन बेटा ये फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट आई टोल्ड यू अबाउट द लाइन द रिजल्ट ऑफ हैंड क्लिनिंग स्टडी एस्टाब्लिश दैट इन मैनी केसेस हैंड वॉशिंग टेक्निक वॉज इन एडिकुएट ये है लाइन इसका मीनिंग कि रिजल्ट जो परिणाम मिला था हम लोगों को हाथ धोने की बहुत सारे जगह से सर्वे किया गया था तो उसमें हम लोगों को परिणाम जो मिला था कि अध्ययन के बाद परिणाम मिला कि यह स्थापित किया गया बहुत सारे मामले में हाथ धोने की जो तरीका है वो अपर्याप्त था यही आपका लाइन है है ना द रिजल्ट ऑफ हैंड क्लींजिंग स्टडी established that in many cases hand washing techniques was inadequate this is your answer question number 1 okay now look at the first picture sir picture ko of first picture ha. next one ye, ye. Ne, this, this one. yes yes But hmm. look at the first picture okay पिक्चर में दिया गया है आपका तो ये पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए इस पिक्चर में क्या दिया गया है पिक्चर में देखिए पिंक कलर दिया गया है है ना और ब्लू कलर दिया गया है वाइट कलर दिया गया है एंड डार्क आ, ब्लू दिया है एकदम ब्लैकिस है ना और उसमें नीचे लिखा है मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड अधिक बार हम लोग मिस कर जाते हैं जो गुलाबी कलर का जो है ना पिंक कलर का मिस कर जाते हैं देखिए बैक में मैं अपना बैक दिखा रही हूँ ये जगह हम लोग मिस कर जाते हैं और टिप ऑफ द फिंगर इसको भी हम लोग मिस कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज वाई रिटर्न मोस्ट फ्रिक्वेंटली अधिक बार हम मिस कर जाते हैं तो ये हमको मिस नहीं करना है है ना ये पिंक कलर मिस कर जाते हैं और देखिए फ्रंट में दिखा रही हूँ ये ये जो हथेली में जो रेखाएं हैं है ना में दोनों पंप्स में जो रेखाएं हैं ये जगह हम लोग को छूट जाती है ये जगह छूट जाती है जहां जहां पिंक है है ना पिंक आर बहुत सारा जगह हम लोग क्या करते हैं कि हाथ तो धोते हैं लेकिन वो जो पिंक जो पोर्शन दिख रहा है उसको अच्छे से नहीं धोते हैं तो एक दिया गया है बैक बैक और ये दिया है फ्रंट है ना ऐसे आपको देखना है तो पिंक वाले जो जगह है आप लोग अच्छे से देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड और व्हाइट वाले जो है लेस फ्रीक्वेंटली मिस और ब्लू वाले भी हैं लेस फ्रीक्वेंटली लेकिन बेटा जो डार्क है एकदम जो ब्लैक है ब्लैक टाइप का जो दिख रहा है नॉट मिस्ड वो हम लोग कभी भी नहीं छोड़ते हैं है ना वो ये सब जगह ये ये जगह हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं जो एकदम ब्लैकि टाइप का है ये जगह हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं नहीं छूटता है पानी से धोए या जो भी जैसे भी धोए हम लोग है ना वो नहीं छूटता है लेकिन बाकी जो पिंक और वाइट और जो ब्लू ये मिक्स हो जाता है तो पिंक बाले में हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है है ना वी मस्ट पे अटेंशन है ना? ये सब, ये सब में। चलिए सर अभी चलते हैं रीडिंग कॉम्पिटेशन क्वेश्चन आंसर्स की ओर सेकंड सेकंड लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड नेम द एरिया मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड फाइल वॉशिंग हैंड आप लोग पिक्चर देख ली हो बेटा तो बैक पोर्शन ऑफ थर्म बैक पोर्शन ऑफ थर्म ये बैक पोर्शन ऑफ थर्म मैंने आपका अंगूठा बैक पोर्शन ऑफ थर्म हमको छुट जाती है नेल्स नेल्स भी हम लोग सही तरीके से नहीं धोते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ बिलो द थम फ्रंट पार्ट ऑफ बिलो द थम मतलब थम का नीचे है ना थम का नीचे ये भी हमको छुट जाते हैं पम्प लाइन्स पंप लाइन माने हथेली का रेखाएं ये छुट जाती है जिसको हस्त रेखाएं कहते हैं ये भी छुट जाती है आर द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड वाइल वॉशिंग हैंड्स ये सब एरिया जो है ये सब जगह जो है हम लोग से छूट जाती है जब हम हाथ धोते हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्लास वर्क वो क्या बुलारी वेस्ट है बेटा हियर इट इज रिमेट एंड इंसर्ट ए बेटा हाउ मेनी वावल्स आर देयर कैन यू टेल मी हाउ मेनी वावल्स आर देयर ओके ओके वेरी गुड फाइव वावल्स आर देयर तो सो विदाउट वावल है ना विदाउट इंसर्टिंग वावल वी कैन नॉट कैन नॉट फॉर्म अ वर्ड है ना तो इसमें हमको वावल इंसर्ट करके वर्ड को फॉर्म करना है इंसर्ट ए ई आई ओ यू तो इसमें दिया है सी एन टी आर एल क्या बनेगा ये क्या बनेगा बेटा हाँ. ओके आंसर को आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए बेटा चैट बॉक्स में डालिए आंसर को चैट बॉक्स में डालिए आंसर को सी एन टी आर एल है ना तो इसमें वावेल को इंसर्ट करना है वावेल्स है ना ए ई आई ओ यू ये पांच वावेल में से कौन सा भरेंगे कि ये शब्द बन जाएगा सी एन टी आर एल कंट्रोल वेरी गुड कंट्रोल तो चैट बॉक्स में लिखिए कंट्रोल का बेटा स्पेलिंग क्या होगा कंट्रोल की स्पेलिंग व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कंट्रोल सी ओ N टी आर O टी आर ओ एल वेरी गुड सी ओ एन टी आर ओ एल कंट्रोल कंट्रोल मतलब नियंत्रण में है ना कंट्रोल मतलब नियंत्रण में इसके बाद है आर डबल टी इसके बाद है आर डबल टी क्या होगा आफ्टर वावल इंसर्शन क्या होगा चैट बॉक्स में, में लिखिए नो रिलेटेड टू योर लेसन बेटा आपका पार्ट से आधारित है अभी मैडम बताई है पढ़ाते समय बताए हैं रोटेट रोटेट वेरी गुड रोटेट मीन्स घुमाना आर ओ टी ए टी ई रोटेट रोटेट माने घुमाना वेरी गुड रोटेट मैने घुमाना नेक्स्ट वन टी सी एच एन क्यू यू टेक्निक टेक्निक पूरा बोलिए टेक्निक को स्पेलिंग को पूरा बोलिए टी ई एन आई क्यू यू वेरी गुड वॉट इज योर नेम बीवास वेरी गुड वेरी गुड टी ई सी एच एन आई क्यू यू टेक्निक मीन्स तरीका वेरी गुड इसके बाद है सी एल एन एस एन जी क्लिनिंग क्लिंजिंग इसमें क्या डालेंगे कैसे बावल को इंसर्शन कैसे करेंगे बताइए सी एल एन एस एन जी टी एल ई ए टी आई एन जी क्लिनिंग हाँ क्लिंजिंग मीन्स क्या होता है बेटा क्लिनिंग मीन्स साफ करना हाँ, हाँ सफाइया साफ करना वेरी गुड वेरी गुड नाउ नेक्स्ट वन एन डी क्यू यू टी एन डी क्यू यू टी व्हाट इज द वर्ड आफ्टर वावेल एंसर सेंड व्हाट इज द वर्ड बिटर अभी लेसन में मैडम जस्ट पढ़ाई है आपको द वर्ड चलिए मैं बता देती हूं इन एडिक्वेट अपर्याप्त इन एडिक्वेट आई एन ए डी क्यू यू इन एडिक्वेट अपरियाप्त आई एन ए डीई क्यू यू ए टी ई इन एडिक्एट मीन्स अपर्याप्त है ना एडुकेट मीन्स पर्याप्त इन एडुकेट मीन्स अपर्याप्त अब है एस टी बी एल एस एच ई डी एस टी बी एल एस एच डी द सेंटेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ इंस क्या होगा सेंटेंस बताइए चैट बॉक्स में लिखिए

हाँ यह प्रमाणित करना वेरी गुड एस्टेब्लिश ओके नाउ टी एच आर जी एच एल वाई इसमें क्या इंसर्शन करेंगे ट्रोली बनेगा क्या होगा बताइए ट्रोली बनेगा क्या बनेगा ट्रोली आ, स्पेलिंग बताइए स्पेलिंग टी एच ओ आर ओ यू जी एच एल वाई हाँ थौरोली बेटा थोरोली आ, नाम क्या है बेटा आपके वर्षा पटेल ओके वेरी गुड वेरी गुड बेटा थोरोली थोरोली मतलब अच्छी तरह से या पूरी तरह से उसको कहते हैं थोरोली हम लोग बोलते हैं ना अपना पार्ट को थॉरोली रीड कीजिए थॉरोली मतलब अच्छी तरह से या पूरी तरह से है ना हाँ टी एच ओ आर ओ यू जी एच ओ एल वाई वाई थोरोली थोरो, थोरो, थोरो मीन्स अच्छी तरह से थॉरोली मींस अच्छी तरह से t-h-o-r-o-u-g-h-l-y r-o-u okay thoroughly means पूरी तरह से या अच्छी तरह से और भी है क्या बच्चों समझ में आया आपको समझ में आया हाँ ये जो आपका है ना ए ई आई ओ यू आर देयर तो वावे से आपको ये जो वर्ड है इसको बनाना है वावे इसमें इंसर्ट नहीं किया गया था है ना आपको इंसर्ट करना था सो आपने अच्छे से कर दिया वेरी गुड बेटा नाउ होमवर्क है आपके लिए कंप्लीट द फ्लो चार्ट ये एक फ्लो चार्ट है हाउ टू वॉश हैंड्स आपका जो बेटा सिक्स स्टेप्स है ना वो स्टेप को आपको इसमें लिखना है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यस सिक्स स्टेप्स आर देयर सो यू हैव टू राइट द स्टेप्स आपको स्टेप्स को लिखना है इसमें तो कोई बता सकते हो पहला स्टेप क्या होगा हाँ मेजर ऑफ क्लिंजर है ना हाँ ऐसा करके शुरू करना है और आपको पूरा फ्लोचार्ट बन जाएगा जहाँ रिपीट रिपीट बोले हैं उसको आपको नहीं देखना है उसमें नहीं लिखना है, है ना आपको केवल सिक्स स्टेप्स को ही लिखना है इसमें ओके तो दिस इज फॉर योर होमवर्क आप लोग होमवर्क भेजोगे है ना माई नंबर सर मेरा नंबर है ना माई व्हाट्सएप नंबर इज नाइन वन सिक्स फाइव फोर फाइव टू डबल थ्री फाइव बच्चों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है है ना आप भेज सकते हो आप अपना सब्जेक्ट uh, टीचर को भेज सकते हो मेरे को भी भेज सकते हो नो प्रॉब्लम ओके बेटा तो आपको अच्छा लगा कैसा लगा हैंड ये लेसन कैसा लगा लगा बहुत अच्छा अच्छा, अच्छा लगा लगा ना हाँ, आप लोग सब तो हाथ तो धो रहे थे है ना हैं। हाथ रोज धोते भी हो लेकिन कुछ जो टेक्निक है नया टेक्निक हम लोग को सीखने को मिला है ना बेटा और ये कोरोना वायरस के समय में ये हम लोगों को पैंडेमिक जो वैश्विक जो महामारी चल रहे है इस समय हम लोगों को हाथों की देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ये लेसन जो है बेटा आपका एक मैसेज है है ना एक संदेश पहुंचा रहे हैं आपको कि आप लोगों को क्या करना है हाथ धोना बहुत जरूरी है तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्लोगन बनाकर लाई हूं देखिए आप लोगों को अच्छा लगेगा क्लीन हैंड्स आर गॉडियंस ऑफ हेल्थ डोंट स्प्रेड जर्म्स वॉश योर हैंड्स आपका जो साफ सुथरा जो हाथ है हाथ धो लेते हैं उसके बाद साफ हो जाता है ना और गार्डियंस गार्डियंस मतलब अभिभावक जो आपका पालन पोषण देखभाल करते हैं आपके पापा मम्मी उसको गार्डियंस कहते हैं है ना तो हमारा जो साफ सफाई किया हुआ जो हाथ है ये हमारा अभिभावक की तरह है जो हमारा देखभाल करते हैं डोंट स्प्रे जर्म्स वॉश योर हैंड आप क्या कर कीजिए कि कीटाणुओं को क्या ना करिए स्प्रेड ना कीजिए इसको मत बढ़ाइए बढ़ने मत देना वॉश योर हैंड आप हाथ को धोते रहिए और कैसे धोना है केवल वेट कर लेंगे हम लोग गीला कर लेंगे नहीं अच्छे तरीका नहीं ये भी नहीं है अब हम लोगों को क्या करना है सही टेक्निक के साथ है ना टेक्निक क्या है द सिक्स स्टेप्स मैडम जो आपको बताए हैं आप तक वो है आपका टेक्निक तो यू हैव टू फॉलो द टेक्निक बेटा उस टेक्निक को फॉलो करना है हम अच्छे तरह से हाथ धो लेंगे ये सफिशिएंट नहीं है बेटा आपको यू हैव टू फॉलो द टेक्निक्स ओके और किसी को कुछ पूछना है किसी को कुछ कहना है देखिए इसमें भी मैसेज गया है एक मैसेज हैंड वॉशिंग इज द ग्रेट वे टू प्रिवेंट कोरोना वायरस है ना हाथ धोना क्या है एक बहुत अच्छा तरीका है कोरोना वायरस को रोकने के लिए सो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली प्रॉपरली टेक्निक के साथ स्टे होम घर में रहिए स्टे से सुरक्षित रहिए कीप लर्निंग और पढ़ाई करते रहिए है ना घर में रहेंगे लेकिन पढ़ाई करना है बेटा आपको है ना तो पढ़ाई करते रहिए किसी का कुछ किसी का कुछ पूछना है कहना है पूछ सकते हैं बच्चों आपको कुछ कहना है बच्चों कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हो समझ में नहीं आया करके सबको समझ में आया वेरी yes, गुड very good so this is uh, all for today beta take care stay safe keep learning till then bye bye, bye see you man. next week see you next week beta